जब बात शुरू की तो आपने शुरू में एक बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया था, क्योंकि आप एक फ्लो में नेचुरल दिल की फीलिंग्स बोल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यू ट्रेवल। बट शुरू में जो आपने कहा था कि तकवा क्या है, एक्चुअली ये सारी जड़ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तमाम उमूर की जो जड़ है ये हदीस है, वो तकवा है। यानी तमाम कि उमूर डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन जो है हमारी। एग्जैक्टली, हाँ सही। यानी जिसके बगैर, यानी आप एयरपोर्ट पे ऐसे ही नहीं चले जाते, आपने कहीं जाना होता है, आप क्या कहते हैं किसी भी काउंटर पे नहीं चले जाते, आपकी जो एयरलाइन होती है वहां जाते हैं, ये सब तकवे में आता है। तकवा जो है वो आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देता है। तकवा जैसे बेहतरीन समझ में आएगा कि कारोबार का तकवा किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम समझे समझाए होते हैं उसको, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हमने उसके लिए प्रिपेयर किया होता है अपने आप को, उसके लिए हमने रिसर्च की होती है, उसके लिए मेहनत की होती है, उठते बैठते सोते जागते हम सोच रहे होते हैं कि कारोबार को किस तरह बेहतर किया जाए, अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर किया जाए, आपका जो डिस्प्ले है, आपका जो मोनोग्राम है, आपकी जो भी मार्केटिंग है कैसे, ये तकवा होता है जो आपको मजबूर करता रहता है कि आई शुड इम्प्रूव, आई शुड यू नो गेट बेटर, मुझे बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम उमूर की जो जड़ है वो तकवा है, और आपने फरमाया एक और हदीस में कि तकवे का एहतमाम किया करो, यानी तकवे को स्ट्रेंथन करने के लिए, तकवे को बढ़ाने के लिए एहतमाम करो इसका। और फिर फरमाया कि ये कुरान फहमी से, कुरान की तिलावत से। कौन सी तिलावत? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो तिलावत नहीं जो हम एक दिन में खत्म करते हैं, उससे तो तकवा नहीं मिलता, सवाब मिलता है, क्योंकि तकवा तो समझने से मिलता है। तो तकवे पे थोड़ा सा गौर, जब आप बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा लिख रहा था कुछ। तो तकवा अगर इसको अभी इस वक्त देखें, तकवे को बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको समराइज किया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव एक कोशिश की जाए कि एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी बनाई जाए, तो अल्लाह के मुकाम का अंदाजा रखना कि अल्लाह का मुकाम क्या है इस कायनात में, मेरी जिंदगी में। जैसे आप बगैर मुकाम के किसी से भी डील नहीं कर सकते, मतलब भाई वालदैन के साथ डील करने के लिए आपको बैक ऑफ माइंड पता होता है कि उनका मुकाम क्या है, बीवी से डील करते हुए आपको पता होता है कि उसका एक मुकाम है, उसका एक रोल है मेरी जिंदगी में, उसकी एक खिदमात है, एहसानात है, फेवर्स है। इसी तरह बच्चों से डील करते हुए आपको उनके मुकाम का पता होता है कि बच्चे मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं, मैं इनका रोल मॉडल हूँ, मुझे इनकी तरबियत करनी है, आज इनको अगर यस में यस कर दिया ये तो कहीं और निकल जाएंगे, बाद में मेरे लिए मसला बनेंगे, तो आज मैं इनका जिम्मेदार हूँ, आई हैव टू मेक द राइट चॉइसेस फॉर देम। तो अल्लाह के साथ डील करते हुए वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेचर एंड द प्लेस ऑफ अल्लाह इन दिस यूनिवर्स एंड इन माई लाइफ विद ऑल हिज सिफात, उसकी तमाम जो मेरी तरफ हुकूक निकलते हैं, ये मेरे जहन में अंदाजा हो तकवे की पहली वो जो एक कड़ी है। फिर मेरी जगह क्या है, व्हाट इज माय प्लेस, दैट इज आल्सो तकवा। क्योंकि हम कभी कभी अपने मुकाम से निकल के फिर बात करते हैं या सोचते हैं तो वहां गड़बड़ हो जाती है। फिर हम किसी भी दुनिया में आप देखें तो अपना मुकाम पता होना बहुत जरूरी होता है, ऑफिस में, दुनिया में, किसके साथ डील कर रहे हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं, एक हर किसी का एक मुकाम होता है। तो अल्लाह के सामने अपना मुकाम, अल्लाह का मुकाम, ये दोनों का अंदाजा होना, अपनी हुदूद का अंदाजा होना कि अल्लाह ने मेरी क्या हुदूद खींची है एज अ मुस्लिम, एज अ गुड ह्यूमन बींग, मेरी क्या वो जो है बाउंड्री क्या है मेरी, ये तकवा है। फिर मेरी जिम्मेदारियां क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अल्लाह ने जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कुरान मजीद में, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के हिसाब से, जो आपकी मेरी एक मुसलमान की जिनको विरसे में मिला है दीन, जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये भी तकवे का हिस्सा है। फिर हुकूक क्या निकलते हैं सब के, हमारे आपस में क्या हुकूक हैं, ये तकवा है। द मोमेंट मैं तकवे से बाहर निकलूंगा या तकवे को ऑफ कर दूंगा तो मैं कोई ना कोई हुकूक की खिलाफ वर्जी कर दूंगा, कोई ना कोई मैं अफेंड कर दूंगा, हर्ट कर दूंगा। अगर तकवा ऑफ होगा, तकवा ऑन होगा तो
घर में भी केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, वरना कुछ ज्यादा देर नहीं लगती कुछ भी होने में, डिपेंडिंग ऑन कि किसकी क्या नेचर और वो है। तो इसी तरह हुकूक जो है वालदेन के, बच्चों के, बिजनेस के अंदर, आपके क्लाइंट के, आपके कस्टमर्स के, ये तकवा है कि यार कस्टमर को अगर आज मैंने काट दिया, कहते हैं ना कि जो मुर्गी अंडा देती है उसको जिबा ना करो, वही अंडा दे रही है रोज तो देने दो। आपने कहा नहीं यार कस्टमर को आज जो है ना बस छुरी फेर देनी है, तो तकवा ऑफ हो गया आपका, वो आपके हाथ से जाएगा कस्टमर। तो आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं उनको सही माल देंगे। इसी तरह लाइफस्टाइल, कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो किस नोयत का है, आप खाना पीना कैसा है, कितनी बदपरहेजी कर रहे हैं, जिस्म जो है वो भी अमानत है, अच्छा कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये लाइफस्टाइल भी इस तकवे की उसमें आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी मैं समझता था कि जो आपने जो सवाल उठाया और आप आगे चले गए, लेकिन मैं वहीं रुक गया भाई। ये तो बहुत जबरदस्त सवाल आपने उठाया कि तकवा क्या है। इस बगैर तकवे के, मैं फिर हदीस रिपीट करूंगा कि तमाम उमूर की जड़ तकवा है, और मैं अपने आप को भी रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अगर मुझे भी जिंदगी में पीस चाहिए, अगर मुझे जिंदगी में सलामती चाहिए, अगर मुझे जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, तो मुझे तकवा ऑन रखना है। और तकवा कौन सा? सिर्फ अपनी मर्जी वाला, वो तो अपने मफादात देखेगा, नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक्का तुकातिह, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से तकवा सीखो। कौन सा तकवा? हक के साथ, सिर्फ हुकूक लेने वाला तकवा नहीं, हुकूक देने वाला तकवा भी। लेने वाला तो हर इंसान को पता है, पहले से पता है, तो लेन देन दोनों वाला तकवा, अल्लाह के मुकाम वाला तकवा, दीन क्या है, उसका क्या मुकाम है, उसके क्या फायदे हैं, वो तकवा। तो हक का तुकात ही का मतलब होता है अल्लाह की आयात की रोशनी में तकवा, चाहे वो मेरे खिलाफ हो, चाहे मेरे मूड्स के खिलाफ हो, मेरे कंफर्ट जोन के खिलाफ हो, तो भी मुझे वो बात सुननी है, उस पर अमल करना है, दैट इज हक का तुकाती। और फिर कहते हैं इस हाल में ना मर जाना, डू नॉट डाई इन स्टेट व्हेन यू आर नॉट अ मुस्लिम और यू आर नॉट इन सबमिशन, यानी तकवा इस लेवल का हो कि हमारी सबमिशन कभी भी वायलेट ना हो, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है, तो हमें वायलेशन के अंदर नहीं मरना है। हमने पूरी जिंदगी बड़ी मेहनत से कंपनी में काम किया, लेकिन आखिरी साल में हमने कंपनी को लॉस या हमने घपला कर दिया, हमने जो है वो कंपनी को के साथ कोई हैंड कर दिया, तो अब कंपनी कहेगी चूंकि आपने 50 साल खिदमत की है लेकिन आज आपने चोरी की, तो आपको छोड़ देते हैं? नहीं, वो आपको हो सकता है इज्जत से, प्यार से रुखसत कर दे कि आपने पूरे 50 साल की उस मेहनत पे पानी फेर दिया। तो इसी तरह ईमान वाले को अल्लाह कह रहे हैं कि तकवा ऐसा करो कि मरते दम तक सबमिशन में रहो। तो यही सारे उमूर की जड़ है।